Welcome back to How to Map, that is how to make a project on TechFryDay's YouTube channel. हम बना रहे expenses recorder का एक छोटा सा application as final year IT project, as an example of course. और एक काम करते हैं हम यहाँ पे अभी, जो पिछले वीडियो हमने add new expense and select expenses lifetime जो किया था, अभी जो select expenses within date range का जो function है ना, वो हम तुरंत इसके बाद बनाते हैं, क्योंकि उसमें एक सिर्फ एक क्वेरी में छोटा सा मॉडिफिकेशन है, बाकी पूरी की पूरी क्वेरी सेम है. और उसके बाद अपडेट एक्सपेंस जो हम पहले बना चुके हैं, अपडेट की क्वेरी हम फायर कर चुके हैं और डिलीट की क्वेरी सिर्फ हमें देखनी है. सो लेट्स बिगिन विद सिलेक्ट एक्सपेंसेस विद इन डेट रेंज. सो यहाँ पे पहले तो मैं बना देता हूँ एक केस, सिलेक्ट डेट रेंज डेटा, ऐसे मैं उसको नाम देता हूँ डेटा का, ये इधर हाइफन हो गया अंडरस्कोर, देन ब्रेक स्टेटमेंट ऑफकोर्स, मतलब केस बना रहे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, अपना रिक्वेस्ट हैंडलर में एंट्री डालनी पड़ेगी. यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ फंक्शन exp मॉडल के अंदर, यस. ओ यहाँ पे देखो मैंने शायद नहीं बराबर किया है, मुझे लगा मैंने exp टाइप वाले के कंट्रोलर के अंदर नया केस बना दिया क्या. ओके कूल, सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं नया, फन सिलेक्ट डेट रेंज डेटा, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं. चलो एक काम करते हैं, जो ये चूंकि अभी ये गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, वी आर एक्सपेक्टिंग सम डेटा, तो जो फ्रॉम डेट टू डेट और यूजर आईडी जो भेजेंगे वो हम गेट मतलब अपने URL से ही भेजेंगे. तो यहाँ पे मैं इधर ही एक्सपेक्ट करता हूँ पैरामीटर फ्रॉम कॉमा टू एंड कॉम फाइनली डॉलर UID. ये बन गया अपना फंक्शन का डेफिनेशन. इसके अंदर अभी पहली चीज क्या करनी है, चलो यहाँ पे पहले वो कॉल करके लेते हैं वरना वो हम भूल जाएंगे, डॉलर OBJ एंड दिस, ये बन गया अपना कॉल. अभी यहाँ पे गेट मेथड से मतलब अपने URL से जो भेजे गए हुए जो की वैल्यूज है वो यहाँ पे कैसे फेच करते हैं हम, इस तरीके से डॉलर अंडरस्कोर गेट से. सो डॉलर अंडरस्कोर गेट तीन बार आएगा यहाँ पे. ओके ये थोड़ा सा एक्सपांड कर दो तो आपको अच्छे से एक लाइन में दिखेगा पूरा. पहला आएगा ऑफकोर्स फ्रॉम, दूसरा आएगा यहाँ पे टू, और तीसरा आएगा UID ऑफकोर्स. और ये तीन पैरामीटर यहाँ पे पास हो जाएंगे फ्रॉम टू एंड UID में. यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेरी से पहले ये यूजर ऑथेंटिकेशन का इफ स्टेटमेंट लगाना जरूरी है जो हमने बना के रखा है, एल्स ऑथोराइजेशन फेल्ड. क्वेरी इसकी कैसे आएगी, डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू, अभी जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा एक सिर्फ चेंज है, ये जो हमने करके रखा है ना ये पूरा का पूरा टेक्निकल हमें ऐसा कैसा कॉपी करना है. तो चलो ये किया मैंने कॉपी पेस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंसेस वेयर UID इक्वल टू, ये जो कंडीशन है ना इसके बी मतलब इसके पहले एक कंडीशन आएगी वेयर अपनी डेट का कॉलम का नाम क्या देखते हैं फिलहाल हम, कर डेट, वेयर कर डेट BETWW बिटवीन नाम का एक क्लॉज है, बिटवीन पहली डेट एंड दूसरी डेट. तो हमारी पूरी क्वेरी देखो कैसे बन गई, थोड़ा सा इसको एक्सपांड करता तो आपको क्वेरी एट अ ग्लांस दिख जाएगी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंसेस वेयर करंट डेट इज बिटवीन फर्स्ट डेट मतलब फ्रॉम एंड टू, और उसके बाद एक और एंड आएगा एंड यूजर आईडी इज इक्वल टू जो भी यूजर आईडी होगा वो. अभी इसके अंदर मैं बाइंड करता हूँ अपने डॉलर फ्रॉम वेरिएबल को, इस सिंगल कोट्स के अंदर मैं बाइंड करता हूँ अपने डॉलर टू वाले वेरिएबल को, और ये बन गई अपनी क्वेरी. बाकी का तो सब सिंपल मतलब जो भी नॉर्मल सिलेक्ट की क्वेरी में है वही सेम सिंटैक्स वही सेम कोड यही यहाँ पे भी रहेगा. अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं, लेट्स ओपन पोस्टमैन, लेट्स कॉपी. अभी यहाँ पे ना जगह बची नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके नया टैब वगैरह ओपन करने का ऑप्शन तो है नहीं, तो चलो यहाँ इधर नहीं, इसको भी नहीं हो रहा, तो हमें दो तीन टैब शायद क्लोज कर, पहले वाले जो टैब्स है ना वो चलो हम क्लोज कर देते हैं. यहाँ का ये टैब मैं डोंट सेव, चलो डोंट सेव क्लोज कर देता हूँ. लेट्स ओपन अ न्यू टैब, पेस्ट न्यू URL, ऑपरेशन इक्वल टू, अभी आएगा क्या अपना सिलेक्ट डेट रेंज डेटा एंड फ्रॉम इज इक्वल टू, फ्रॉम में हम एक डेट डाल दें, चलो जो हमारे पास पहले से डेट्स है उसमें से मैं एक डेट उठा देता हूँ यहाँ पे, एंड टू में भी एक और डेट डाल देते हैं हम, टू इज इक्वल टू मैं डालता हूँ, चलो यही डेट वापस डालते हैं हम, मतलब और डेट्स हमारे पास नहीं, डेटा ही हमारे पास इनसफिशियंट है. एंड वापिस आएगा UID इज इक्वल टू वन, हेडर में आएगा पहला हेडर ऑथोराइजेशन, वैल्यू आएगी उसकी जो अपना जो टोकन जो भी हम इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो, देन बॉडी फॉर्म डेटा में कुछ आएगा नहीं क्योंकि मेथड होगी अपनी गेट, देखते हैं अभी क्या क्या होता है.
आ गया, मतलब जिसका यूजर, वैसे तो चलो जो हमने डेट रेंज सिलेक्ट की है 14 9th, मतलब अभी कौन सा महीना चालू है, ये अगस्त सितंबर, सितंबर टू 14 सितंबर, मतलब एक ही दिन का हम डेटा निकल रहे हैं प्रैक्टिकली अपने डेटाबेस में आज, मतलब 14 तारीख की कितनी एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है, लेकिन हमने जो कंडीशन लगाई है वो क्या है, यूजर आईडी की भी कंडीशन हमारे यहाँ पे मौजूद है हमारी क्वेरी में, तो सिर्फ उसने एक ही एंट्री यहाँ पे वो फेच करके दे रहा है। ये हो गया अपना डेट रेंज का लॉजिक कंप्लीट। अभी कौन से भी दो डेट रेंज डालो, लेकिन फ्रॉम में फ्रॉम ही होना चाहिए, टू में टू ही होना चाहिए, आगे की डेट फ्रॉम में और पीछे की डेट टू में मत डालो, वो उतना सिर्फ अब फिलहाल हम ध्यान रखते हैं। बन गया अपना सिलेक्ट बिटवीन डेट रेंज का। अभी बाकी क्या है अकॉर्डिंग टू आवर किधर गई अपनी costlist.txt फाइल के अकॉर्डिंग, अभी बाकी है अपना अपडेट एक्सपेंसेस वाला और डिलीट एक्सपेंसेस वाला। फटाफट से बना देते हैं एक्सपेंस टाइप मॉडल के अंदर। चलो पहले दो फंक्शन को मैप कर लेते हैं अपने रिक्वेस्ट हैंडलर के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस अपडेट एक्सपेंस, ब्रेक फंक्शन कॉल करके लेता हूँ $obj अपडेट exp, इसी को कॉपी कर देते हैं। डिलीट एक्सपेंस, डिलीट एक्सपेंस, डिलीट एक्सपेंस, ये बन गया अपना। अब ये सिर्फ अपडेट एक्सपेंस की तो ऑफकोर्स पोस्ट मेथड होगी, मतलब बॉडी फॉर्म डेटा से हम डेटा भेजेंगे, लेकिन डिलीट एक्सपेंस करते वक्त हम कुछ डेटा भेजेंगे नहीं, सिर्फ एक यूजर आईडी भेजेंगे, सॉरी एक्सपेंस आईडी भेजेंगे, नॉट यूजर आईडी। तो यहां पे मैं लिखता हूं $_get एक्सपेंस आईडी, ओके, और फिर वो डिलीट का, मतलब डिलीट की क्वेरी में बाइंड कर देते हैं। अभी यहां पे दो फंक्शंस बनाते हैं हम exp टाइप मॉडल में, हम exp मॉडल में जाते हैं। यहां पे मैं दो फंक्शन बना के लेता हूं, फन, एक और फंक्शन बनाता हूं फन, इसको नाम देते हैं जो भी यहाँ पे हमने कॉल किया वही यहाँ पे देना पड़ेगा नाम, अपडेट एक्सपेंस, और इसको नाम देते हैं डिलीट एक्सपेंस। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आएगा कि यहाँ से हम भेज नहीं रहे, यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा एक्सपेंस आईडी। अभी अपडेट की क्वेरी हमें मालूम है, लेकिन उससे पहले ये किधर गया अपनी अपडेट की क्वेरी, अपडेट, चलो वो दूसरे इसमें थी, अब एक्सपेंस टाइप में थी। इस पूरे सिंटैक्स को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें अपडेट की क्वेरी फायर करनी है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं हमें। ऊप्स, ये कॉपी नहीं हुई, एक्सपेंस टाइप मॉडल की अपडेट किधर गई, अरे यहाँ से कट हो गई वो क्वेरी, मैंने कट पेस्ट करने की कोशिश की गलती से, कॉपी एंड पेस्ट, ओके। यहाँ पे अपडेट एक्सपेंस टाइप की जगह आएगा एक्सपेंसेस, सेट टाइटल की जगह क्या आएगा, अभी यहाँ पे जो कॉलम्स है ना वो सारे कॉलम्स हम लेंगे, पेई, करंट डेट, करंट डेट हम नहीं लेते, पेई, अमाउंट, एक्सपेंस टाइप आईडी एंड यूजर आईडी, इतना ही वो अपडेट कर सके कि वो ये पहले से एक्सपेंस उसका हो चुका है। कुछ एक दो चेंजेस अगर उसमें पेई में करने हो, अमाउंट में वो कर सकता है और एक्सपेंस टाइप में कर सकता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे चलो एक काम करें, हम एक्सपेंस टाइप का भी नहीं लेते क्योंकि वो एक्सपेंस टाइप ये हो चुका अभी, मतलब फूड का तूने एक्सपेंस किया है, हाँ तू इतना एडिट कर सकता है, अरे नहीं मैंने इधर से नहीं उधर से खाया था और इतने रुपए का नहीं उतने रुपए का खाया था, जो उसने जो मतलब शायद फ्यूचर के एक्सपेंस अगर उसने पहले से ही वो करके रखा हो और एक्सपेंस टाइप आईडी करंट डेट वगैरह सब चेंज करनी हो, तो फिर वो उसको करंट डेट तो नहीं चेंज कर, वो लाइव अभी का अभी वो जाना चाहिए। सो चलो ठीक है, पेई को हम अपडेट करते हैं, पेई और अमाउंट को लेते हैं अपडेट में। सो पेई इज इक्वल टू $_, यहाँ पे लिखते हैं पेई एंड मतलब यहाँ पे आएगा कॉमा, ये कॉपी कर लेते हैं पार्ट, यहाँ पे आएगा अमाउंट, इन शॉर्ट वो डेट को और टाइप को नहीं एडिट कर सकता, वो पेई और अमाउंट को एडिट कर सकता है। अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ अमाउंट, वेयर आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू वट एवर द आईडी इज, एक्सपेंस टाइप आईडी की जगह सिर्फ यहाँ पे आएगा exp आईडी। बन गई अपनी अपडेट की क्वेरी। नाउ एक बार मैं चेक करके लेता हूँ, अपडेट एक्सपेंसेस सेट पे इक्वल टू दिस, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट का कॉलम का नाम अमाउंट ही है, अमाउंट इज इक्वल टू दिस, वेयर आईडी इज इक्वल टू exp आईडी जो भी हम भेजेंगे। तो हमें तीन चीज़ें पोस्टमैन से भेजनी है, पेई, अमाउंट और exp आईडी, और बाकी सब कुछ तो मेरे हिसाब से करेक्ट है। अभी फिलहाल आगे बढ़ने से पहले, डिलीट की क्वेरी की तरफ बढ़ने से पहले, इतना पहले हम टेस्ट करके लेते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस थिंग, लेट्स पेस इनसाइड न्यू टैब, ये सब हटा दो, ऑपरेशन का नाम क्या है, अपडेट exp, अपडेट exp हो गया, गेट की जगह सिलेक्ट कर दी पोस्ट, हेडर ऑथोराइजेशन हेडर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑथोराइजेशन, और उसकी वैल्यू ये ज़रूरी है हर एक API में एक्सेप्ट लॉगिन और साइन अप। ओ ये क्या हो गया
ये कॉपी करना है हमें, पेस्ट। बॉडी फॉर्म डेटा में जाएगा पहला पे, दूसरी जाएगी अमाउंट, और तीसरा जाएगा एक्सपेंस टाइप। अभी यहाँ पे जो एक्सपेंस टाइप हमारे पास मौजूद है, सपोज केएफसी वाला, तो उसकी चलो पे ही अपडेट नहीं करते। केएफसी पे ही मैंने खर्चा किया था, लेकिन मैंने 300 नहीं 500 रुपये खर्चा किया था, और इसका जो आईडी है वो है 1, एक्सपेंस का आईडी 1। यहाँ पे ये प्राइमरी की ले रहे हैं हम, नॉट दिस और दिस। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पे ही, तो लिखता हूँ सेम केएफसी जो मैं, मुझे चेंज नहीं करना। अमाउंट मैं लिखता हूँ 300 की जगह 500, और यहाँ पे ओ यहाँ पे आएगा आईडी exp id, जो हमने यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं exp id, वो सेम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा 1। नाउ लेट्स चेक, अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये 300 का 500 हो जाना चाहिए ये वाला। सो लेट्स क्लिक ऑन ब्राउज, 500 हो गया, हमने सही कर दिया। अभी ये बन गई अपनी अपडेट की क्वेरी। मतलब ऐसा मैंने क्यों रखा कि वो करंट डेट और एक्सपेंस टाइप आईडी वगैरह एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर बहुत वो मैनिपुलेटिव हो जाएगा अपना एप्लीकेशन, वो कभी भी कुछ भी मैनिपुलेट करो, कभी भी मैंने एक्सपेंस, मतलब वो एडजस्ट करने लगेगा कि मैंने इतने ये महीने में ये खर्चा नहीं किया था, मैंने अगले महीने में किया था, तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो फॉल्स रिजल्ट मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या अपडेट कर सकते हो, किसको पे किया था, कितना अमाउंट पे किया था, इतना ही अपडेट कर सकते हो, उसकी कैटेगरी नहीं अपडेट कर सकते आप, क्योंकि उसी के ऊपर अपना पूरा आगे का गेम टिका हुआ है। वो एप्लीकेशन बनाते वक्त मैं आपको समझाऊंगा। सो ये बन गई अपनी अपडेट की क्वेरी। और फाइनली अभी सिर्फ एक ही बात, मतलब एक ही चीज़ बची है, वो है डिलीट एक्सपेंस की क्वेरी। तो यहाँ पे डिलीट का हमने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा है, ये मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारा ऑथोराइजेशन का जो हमने बना के रखा है, else भी मैं कॉपी कर सकता था, मैंने क्यों लिखा। ओके अभी यहाँ पे डिलीट की क्वेरी इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम है हमारा एक्सपेंसेस, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी, यहाँ पे जो एक्सपेंस आईडी जो हमें आएगा वो हम यहाँ पे बाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पूरी की पूरी रो ही डिलीट कर देनी है। हो गई डिलीट की क्वेरी। अभी जैसे डिलीट की क्वेरी फायर, मतलब अपडेट की क्वेरी के जैसे ही जो अफेक्टेड रोज मिलते हैं, सेम डिलीट की क्वेरी से हमें अफेक्टेड रोज मिल सकती है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर रेस इज इक्वल टू जो हम अब तक करते आए हैं, डॉलर दिस कॉन कनेक्शन क्वेरी फंक्शन को पास करेंगे हम अपना डॉलर क्वेरी वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको, या फिर चलो इको ही पहले करके देखते हैं, इको MySQLi underscore updated underscore rows, MySQLi updated rows है, affected rows है, not updated rows, MySQLi affected rows। अभी यहाँ पे क्या काउंट मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आईडी डालता हूँ 1, तो ये केएफ से डिलीट होना चाहिए और हमें 1 मिलना चाहिए। देखते हैं ये सब होता है क्या सक्सेसफुली। कॉपी, लेट्स ओपन, ये पहले का एक और टैब मैं क्लोज करता हूँ तो मुझे आगे एक ओपन करने को मिलेगा, बहुत झंझट है यार इसमें। अपडेट एक्सपेंस की जगह मैं लिखता हूँ डिलीट एक्सपेंस, एंड यही से हमें पैरामीटर पास करना है। कौन सा पैरामीटर जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, exp id इज इक्वल टू, मैं पास करता हूँ 1, हेडर में लिखते हैं ऑथोराइजेशन, और जो अपना जो ऑथोराइजेशन का जो पार्ट है वो कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ओके नाउ लेट्स होप कि वो डिलीट हो जाए और हमें यहाँ पे 1 मिले। सम एरर, MySQLi अफेक्टेड रोज एक्सपेक्ट्स एग्जैक्टली 1। ओ या या या, कुछ और एक्साइटमेंट में हम गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ये इसको एक पैरामीटर पास करना है, डॉलर दिस अपना जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम पास करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है, शायद एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है और उसके बाद इस लाइन के ऊपर एरर आया हमें। तो पहले हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। ये देखो, ये अपना ये टुल्ला गायब हो गया। अभी अगर मैं वापस यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0, क्योंकि वो पहले एरर तो आ गया लेकिन क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई ना इस लाइन के ऊपर, तो डिलीट हो गया। MySQL अफेक्टेड रोज पे एरर है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। तो चलो अभी आईडी डालता हूँ मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे हम डालते हैं आईडी 1 की जगह डालता हूँ 2, और यहाँ पे भी मुझे मिलेगा 1, अफेक्टेड रोज 1। तो सिंपल अपडेट के जैसा यहाँ पे भी एक इफ आएगा, इफ वापस शॉर्टकट मारते थोड़ा, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की बजाय डायरेक्टली इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम एक रो ही डिलीट होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन इको डिलीटेड सक्सेसफुली,
else कॉन्टेक्ट डेवलपर हाश अपना पूरा का पूरा जो एपीआई का जो साइड है वो अभी बन चुका है. कितना मजा आ रहा है मुझे सोच के. अभी आगे की जो वीडियोस है ये एक बार हम टेस्ट करके लेते हैं एक बार. ये अभी यहाँ पे बताएगा कॉन्टेक्ट डेवलपर क्योंकि यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है. यहाँ पे मैं अगर 3 डालूंगा क्योंकि दो आईडी वाला तो हमने पहले से डिलीट करके रखा है तो 3 डिलीटेड सक्सेसफुली. एंड इफ यू ऑब्जर्व टू अर डेटाबेस ब्राउज टेबल इज एम्प्टी. तो आगे की वीडियो से हम चालू करेंगे ये जो पूरा एपीआई बना है ये जो पूरा अपना बिजनेस लॉजिक बना है ये अभी सी इन शॉर्ट हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ. ये जो फिलहाल अपना ये जो सपोज दिस इज आवर बिजनेस लॉजिक ओके BL बिजनेस लॉजिक. अभी बिजनेस लॉजिक को और ये अपना सपोज डेटाबेस बिजनेस लॉजिक को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ मैनिपुलेट करने के लिए ऐड अपडेट डिलीट वगैरह डेटा करने के लिए. लेकिन फिलहाल ये जो बिजनेस लॉजिक को जो रिक्वेस्ट जा रही है वो किससे जा रही है पोस्टमैन से जा रही है ओके. और पोस्टमैन से भेजने की वजह हम अभी कहाँ से भेजेंगे पोस्टमैन को हम मिटा देंगे पोस्टमैन की डैश 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 और पोस्टमैन की जगह हम रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने ऐप के जरिए. लेकिन ऐप के जरिए रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा ढेर सारा HTML ये जा रहे हैं ढेर सारा HTML ढेर सारा CSS और ढेर सारा JavaScript लिखना पड़ेगा. उसके बाद ये जो हम सब झंझट API टेस्टिंग टूल में जो करते हैं URL कॉपी करो ऑथर ये सब नहीं करना पड़ेगा. अच्छा यूजर एक्सपीरियंस के साथ हम अपने यूजर को ऐप यूज करने के लिए दे सकते हैं. सिर्फ पेज ओपन किया लिस्ट आ गई क्लिक किया डिलीट हो गया क्लिक किया पॉपअप आ गया वैल्यूज डाले अपडेट हो गया. ये सारा एक्सपीरियंस अभी अपने अपने को यूजर को देने का है. तो हमें HTML CSS और JS को लेके ये जो अपने जितने भी हमने अभी API बनाए हैं उनके सब URL यूज करके ऐप को अपने API के साथ बाइंड करना है तो अपना प्रोजेक्ट खलास. सो अभी यहाँ पे हम रुकते हैं. यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ बहुत ही खुशी के साथ कि अपना बैकएंड पूरा का पूरा बन चुका है और आगे की वीडियो से हम लेंगे फ्रंट एंड बनाने के लिए. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियोस अपनी ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर कीजिए और उनको बोलिए अरे हो चुका आधा काम आप कहाँ पे अटके हो हमारा API तक सब बन चुका और अभी जल्दी से जल्दी बनाने को लो. लेकिन नहीं तो क्या होगा ऐसा आ जाएगा एक हफ्ते के ऊपर प्रोजेक्ट का सबमिशन और आप सर्च करने बैठोगे कि फाइनल ईयर IT प्रोजेक्ट्स तब उसका कुछ मतलब रहेगा नहीं. ये सीरीज़ फॉलो करो और एक्सटर्नल एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन मारो जाओ. मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में.